हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट एग्जाम में मैं विवेक आपका फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम लेकर आ चुके हैं कक्षा 12 वाले छात्रों का भौतिक विज्ञान का 2023 का सिलेबस। जी हां दोस्तों, 2023 का सिलेबस हम लेकर के आ चुके हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में हम पूरी तरीके से सिलेबस जानेंगे, यानी कि दोस्तों हमें 2022 से लेकर के 23 तक में हमें क्या पढ़ने हैं, क्या नहीं पढ़ने हैं, सब कुछ हम डिटेल में इसमें बताने वाले हैं। तो दोस्तों आप लोग क्लास को अंत तक देखिएगा, तभी आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो एक बार जितने स्टूडेंट हमारे प्यारे स्टूडेंट आ चुके हैं, क्लास से जुड़ चुके हैं, तो क्लास को आप लोग लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। जो हमारे प्यारे नए स्टूडेंट चैनल पर पहली बार आए हैं, तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके घंटी को दबा दीजिएगा, ताकि जितने भी इंपॉर्टेंट क्लास चल रहे हैं उसका नोटिफिकेशन आपको पहुंचते रहे। और जो हमारे प्यारे नए स्टूडेंट जो व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं, तो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, 2023 वाला ग्रुप। फटाफट उससे आप जुड़ जाइएगा और उस ग्रुप को अपने दोस्तों में भी शेयर करिएगा, ठीक है। उससे फ़ायदा आपको ये होगा कि जितने भी नोटिफिकेशन रहेंगे क्लास का, वो भी आपको मिलता रहेगा। पीडीएफ जो है वो भी आपको उसमें प्रोवाइड होती रहेगी, यानी कि आपको पीडीएफ आसानी से मिल जाएगा। जैसे दोस्तों ये पढ़ाने के बाद, ये सिलेबस पढ़ाने के बाद आपको इसका पीडीएफ हम उस ग्रुप में डाल देंगे, वहाँ से आप लोग डाउनलोड करके अच्छे से इसको आप देख लीजिएगा कि हमें फिजिक्स में क्या पढ़ना है। क्लियर है बात? चलिए आगे बात करते हैं। दोस्तों ये जो सिलेबस है, तो ये आपके 2022 का सिलेबस हमने यहाँ पर लिया हुआ है। तो जैसे कि कोरोना महामारी के कारण, आप देख सकते हैं कोरोना महामारी के कारण जो आपका 30% सिलेबस जो था कम हुआ था। अब दोस्तों उम्मीद ये है कि ये जो 30% सिलेबस कम था, अब इस बार भी ये जुड़ जाएगा, ठीक है। इस बार भी ये जुड़ जाएगा, यानी जो 70% में सिलेबस 2022 एग्जाम में हुआ था, उसमें अब ये 30% जुड़ करके 100% पूरा हो जाएगा। लेकिन अभी ये पूरा क्लियर नोटिस नहीं आया है, लेकिन जैसे नोटिस आ जाएगा हम आपको बता देंगे। लेकिन आप सभी मान करके चलिएगा कि इस बार भी आपका 30% सिलेबस जो है आपके बोर्ड एग्जाम में जुड़ जाएंगे, क्योंकि दोस्तों अब ऐसा नहीं लगता कि कोरोना का जो महामारी इतनी तेज़ी से फैल रही थी, अब ऐसा फैले, ठीक है। तो चलिए तो दोस्तों बात कर लेते हैं कि 2021-22 में जो 30% सिलेबस कम हुआ था, उसमें कुछ हम देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग जानेंगे 70% सिलेबस में क्या हमें पढ़ना है, ठीक है। तो दोस्तों फिजिक्स को दो खंड में बांटा गया, खंड क और खंड ख में, ठीक है। तो यहाँ दोस्तों इकाई फर्स्ट में आप लोग देख लीजिएगा, स्थिर वैद्युत में एक समान आवेशित पतले गोली खोल के भीतर या बाहर वैद्युत क्षेत्र का तीव्रता ज्ञात करना, गॉस के नियम से ये हट गया था। वैद्युत धारा इकाई दो में आपके कार्बन प्रतिरोधों के लिए वर्ड कोड प्रतिरोधकों का श्रेणी तथा पार्श्व क्रम संयोजन जो था वो आपका हट गया था, ये सब नहीं पढ़ना था। इकाई थ्री विद्युत धारा तथा चुंबकीय प्रभाव और तथा चुंबकत्व में, दोस्तों आप इसको पढ़ लीजिएगा, ये नहीं पढ़ना था, लेकिन उम्मीद ये है कि अब इस बार ये पढ़ना पड़ेगा। तो जैसे ही यूपी बोर्ड द्वारा जो भी नोटिफिकेशन जारी होगा वो हम आपको प्रोवाइड कर देंगे, और उसी तरीके से पढ़ाई भी शुरू रहेगी, ठीक है। पढ़ाई हम जितना बता दें उतना आप लोग करते चलिएगा, बाकी जो है जो भी अपडेट आएगी वो हम आपको बता देंगे, और कोर्स में ही उसको हम कवर भी कर लेंगे, ठीक है। और इकाई फोर में आप देख सकते हैं कि वैद्युत चुंबकीय प्रेरण तथा प्रत्यावर्ती धारा में शक्ति गुणांक और वाटिन धारा जो था वो हट गया था। वैद्युत चुंबकीय तरंगे में विस्थापन धारा की आवश्यकता जो थी वो खत्म हो गया था। इसका दोस्तों खंड ख आपका आ जाता है, जिसमें कि आपका प्रकाश है, इकाई फर्स्ट प्रकाश की, इसमें जो जो हटा था। इकाई आपके दो में आपके द्रव्य तथा विकिरण की द्वैत प्रकृति में ये हट गया था। इकाई तीन में जो था परमाणु तथा नाभिकीय में रेडियो एक्टिविटी, ये सब आपका हट गया था। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं कि अब हमें पढ़ना जो 70% सिलेबस था जो पढ़ना था वो हम लोग देख लेते हैं एक बार। ये दोस्तों आपके पाठ्यक्रम से हटाए गए जो खंड क और खंड क से जो प्रयोग थे वो हटाए गए थे, लेकिन इस बार उम्मीद है कि ये भी आपका प्रयोग आ जाएगा, ये आपके प्रैक्टिकल में जुड़ेगा, ठीक है। चलिए अब दोस्तों ध्यान सुनिएगा, अब हम आपको पूरी तरीके समझा देते हैं क्या पैटर्न रहने वाला है 2023 बोर्ड एग्जाम का, और कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, सब कुछ हम क्लियर करेंगे इसी क्लास में, ठीक है। तो एक बार अभी तक आप लोगों ने क्लास को लाइक नहीं की, क्लास को लाइक कर दीजिएगा, शेयर जरूर करिएगा अपने दोस्तों में, ताकि सभी बच्चों को पता हो सके ना सिलेबस क्या है। सिलेबस जाना बहुत ही जरूरी है, और फिर धीरे धीरे आपके क्लास जो है वो हम बेसिक से उठाएंगे, ताकि कमजोर से कमजोर जो छात्र वो भी फिजिक्स को समझ सके, केमिस्ट्री को समझ सके, मैथ को समझ सके, फिर धीरे 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 हम लोग आगे बढ़ते हुए बढ़ेंगे। लेकिन दोस्तों बहुत सारे बच्चे ये हैं कि सोचते हैं कि अभी समय तो बहुत है, एक साल का समय है, तो पढ़ लेंगे, या क्वेश्चन बैंक आया जाएगा तो पढ़ लेंगे। ऐसा नहीं, अगर आपको 90+ पार करना है या 90+ लाना है, तो आपको अभी से मेहनत करना पड़ेगा, जितना बताते उतना आपको करना है। एनसीईआरटी का बुक आपको पूरी तरीके से कवर कर लेना है, बाद में हम बीच में दोस्तों एनसीईआरटी के कोर्स कवर कराएंगे,
उसके बाद इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आएंगे, उसके बाद आपका प्रीवियस ईयर जो मॉडल पेपर है सभी सब्जेक्ट को उसको भी हम सॉल्व करवाएंगे। फिर इसके बाद हम एक ऐसा सेट तैयार करेंगे गेस पेपर का, उसको आप सभी को पढ़ करके जाना है, उसमें आपको क्वेश्चन सेम टू सेम एग्जाम में मिलेगा। इतनी तैयारी हम लोग आराम से करेंगे और बहुत ही अच्छे से करेंगे, ठीक है। चलिए तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इनमें जो 70% में बचा है उसमें की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो खंड क, भौतिक विज्ञान को मैंने आपको बता दिया दो खंडों में बांटा गया, खंड क और खंड ख में। तो खंड क में किस इकाई से कितने कितने अंक क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो दोस्तों इकाई फर्स्ट जो है आपका स्थिर वैद्युतिकी से आपके 8 अंक के क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि वेरी इंपॉर्टेंट होता है। धारा वैद्युत से आपके 7 अंक के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। और इकाई 33 जो है आपका धारा का चुंबकीय प्रभाव तथा चुंबकत्व से 8 अंक के क्वेश्चन, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण तथा प्रत्यावर्ती धारा से 8 अंक के क्वेश्चन, वैद्युत चुंबकीय तरंग से आपके 4 अंक के क्वेश्चन टोटल, यहां से खंड क से आपके 35 अंक के क्वेश्चन यहां से आपसे पूछे जाएंगे, यानी खंड क से आपके 35 अंक के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। दोस्तों ये फिजिक्स बहुत ही आसान होता है, अगर आप स्थिर वैद्युतिकी समझ गए, वैद्युत धारा समझ गए, तो आप उसी जस्ट उसी तरीके से थोड़ा सा चेंज करेंगे तो आप चुंबकत्व को भी आसानी से समझ लेंगे, ठीक है। वो हम बता देंगे कैसे पकड़ना है आपको। चलिए आगे बात कर लेते हैं, खंड ख है आपका, इसमें आपके शीर्षक इकाई है फर्स्ट आपके प्रकाशकी, प्रकाशकी से आपके 13 अंक के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण ये आपकी इकाई माना जाता है फिजिक्स में, ठीक है। फिर द्रव्य और द्वैत प्रकृति, ये भी आपके इंपॉर्टेंट, 6 अंक के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, छोटे छोटे फार्मूले न्यूमेरिकल और परिभाषाएँ पूछे जाते हैं। परमाणु तथा नाभिक से उसी 8 अंक के क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉनिक युक्तियाँ से 8 अंक के क्वेश्चन टोटल, यहाँ से 35 अंक के क्वेश्चन खंड ख से पूछे जाएंगे आपके एग्जाम में, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया दोस्तों कि किस अध्याय से कितने कितने अंक पूछे जाएंगे और कौन सा अध्याय सबसे इंपॉर्टेंट, ये भी आपको क्लियर हो गया है। पढ़ाने के बाद दोस्तों आपको ग्रुप में इस वीडियो को हम शेयर कर देंगे, आप अच्छे से पढ़ करके सिलेबस समझ लीजिएगा, ठीक। चलिए अब दोस्तों, अब यहाँ पर जो हमने आपको बता दिया चैप्टर की कौन कौन से क्या क्या पढ़ने हैं, उस चैप्टर में कौन कौन से हेडिंग आपको पढ़ने हैं वो यहाँ पर दिया गया। इकाई फर्स्ट स्थिर वैद्युतिकी जो कि आपको 8 अंक के क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसमें दोस्तों आपके वैद्युत आवेश क्या होते हैं, वैद्युत आवेश का संरक्षण, कूलाम का नियम, दो बिंदु आवेश के बीच लगने वाला बल, बहुत आवेशों के बीच लगने वाला बल, अध्यारोपण सिद्धांत, सतत आवेश वितरण, ये सब आपको पढ़ने हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं अगले अध्याय में, वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, वैद्युत आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की रेखाएं, वैद्युत द्विध्रुव, द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र, एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण, वैद्युत फ्लक्स, ये सभी आपके पढ़ने हैं। इसके बाद दोस्तों बड़ी वेरी इंपॉर्टेंट, गॉस का नियम बहुत इंपॉर्टेंट, हर साल ये एग्जाम में पूछा जाता है, ये हर सेट में किसी न किसी सेट में गॉस प्रमेय पूछा ही जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो गॉस का पृथक्करण यानी नियम, अनंत लंबाई की एक समान आवेशित सीधे तार, एक समान आवेशित अनंत समतल चादर, वैद्युत विभव, वैद्युत विभवांतर, किसी वैद्युत आवेश के कारण वैद्युत विभव, वैद्युत द्विध्रुव, आवेश के निकाय के कारण वैद्युत विभव, सम विभव पृष्ठ, दो बिंदु आवेश के निकाय तथा वैद्युत द्विध्रुव की स्थिर वैद्युत स्थिति ऊर्जा, चालक तथा वैद्युत रोधी, किसी चालक के भीतर मुक्त आवेश तथा बद्ध आवेश, परावैद्युत पदार्थ तथा वैद्युत ध्रुवण, संधारित्र तथा धारिता, श्रेणी क्रम तथा समांतर क्रम, ये सभी आपके पढ़ने हैं, ठीक है, आप यहाँ मिला लीजिएगा। इसके बाद दोस्तों आपका इकाई सेकंड आपका वैद्युत धारा जो कि आपको 7 अंक के क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसमें दोस्तों आपको पढ़ना है वैद्युत धारा धात्विक चालक में वैद्युत आवेशों का प्रवाह, अफवाह वेग, वेरी इंपॉर्टेंट है ये, गतिशीलता तथा इनका वैद्युत धारा से संबंध क्या होता है, ओम का नियम, वेरी इंपॉर्टेंट, आपने हाई स्कूल में पढ़ा होगा, वैद्युत प्रतिरोध यानी कि VI लक्षण जो होता है रैखिक और तथा अरैखिक के रूप में भी आपको देखना है, वैद्युत ऊर्जा तथा शक्ति, वैद्युत प्रतिरोधकता, चालकता, प्रतिरोध की ताप निर्भरता, शेलों का आंतरिक प्रतिरोध, शेल का वैद्युत वाहक बल यानी EMF आपको पढ़ना है, विभवांतर, शेलों का श्रेणी क्रम तथा समांतर संयोजन, किरचाव का नियम वेरी इंपॉर्टेंट है, इसके अनुप्रयोग व्हीटस्टोन सेतु वेरी इंपॉर्टेंट है, मीटर सेतु, विभवमापी सिद्धांत, विभव माप, विभवांतर एवं दो समतल शेलों के विद्युत वाहक बल यानी EMF की तुलना करने के लिए इनका अनुप्रयोग, किसी सेल के आंतरिक प्रतिरोध की माप, ये सब आपको पढ़ने हैं। चलिए आगे बढ़ लेते हैं, अगला है वैद्युत धारा का चुंबकीय प्रवाह तथा चुंबकत्व। तो दोस्तों अभी हम आपको ये आप क्लियर आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों हम पूरा अगर पढ़ेंगे बताएंगे तो ये क्लास जो है आपका तकरीबन आधा घंटा के आसपास चला जाएगा। तो ये हमने आपको समझा दिया कि कौन कौन से चैप्टर आपको पढ़ने हैं, कौन कौन से आपको नहीं पढ़ने हैं,
तो मैंने आपको बताया 30% का जो सिलेबस है इस बार पूरी उम्मीद है कि इस बार वो भी आपका ऐड कर लिया जाएगा। जैसे ही ऐड होता है, जैसे ही यूपी बोर्ड द्वारा कोई भी निर्देश जारी किया जाता है, वैसे हम आपको प्रोवाइड कर देंगे, क्योंकि हमारे बच्चे, हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे को सबसे पहले जो भी नोटिफिकेशन आए वो हम आपको क्लास के माध्यम से प्रोवाइड करते रहें। ठीक है, तो इसके लिए सिंपल से आपको काम करना है, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ग्रुप से जुड़े रहिएगा ताकि जितने भी नोटिफिकेशन है वो आपको प्रोवाइड होती रहेगी। ठीक है, इसी तरीके से दोस्तों बात कर लेते हैं खंड ख के। तो इकाई फर्स्ट आपके प्रकाश यानी लाइट से 13 के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसमें क्या क्या पढ़ना आप लोग देख लीजिएगा एक बार, और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इससे क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं, बहुत ही प्यारा सा है। आपने प्रकाश थोड़ा सा आपने हाई स्कूल में पढ़ा होगा, थोड़ा सा और बढ़ा करके पढ़ लेंगे, काम आपका हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद दोस्तों आपका इकाई सेकंड है आपका द्वैत द्रव्य तथा विकिरणों की द्वैत प्रकृति। ठीक है, 6 अंक के है, इसमें दोस्तों ज़्यादातर आपके छोटे छोटे परिभाषाएं और ज़्यादातर न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, और परमाणु तथा नाभिक से 8 अंक के क्वेश्चन हैं, तो अल्फा कण प्रकीर्णन के प्रयोग, परमाणु रदरफोर्ड का मॉडल, बोर मॉडल, ये सब आपको पढ़ने हैं। तो ये आपने 9th 10th में भी पढ़ा होगा और हम इस बार भी पढ़ा देंगे, तो आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों इकाई जो 4 है आपकी इलेक्ट्रॉनिक युक्तियाँ। ठीक है, जिसमें कि आपके अर्धचालक क्या होते हैं, संधि डायोड क्या होती है, अर्धचालक डायोड, ये सब जो है वो आपको पढ़ना है। तो ये बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट होता है, इसमें कुछ आपको जैसे कि ज़्यादा आपको मेहनत नहीं करना होता है, कहानी के तरीके से होता है, कॉन्सेप्ट होता है कि कैसे ये काम करता है, तो उसको हम बताएं। जैसे कि आपने ट्रांसफार्मर पढ़ा होगा ना, उसी तरीके से ये भी होता है। ये हम जब ये जो चैप्टर लेकर के आएंगे इकाई 4, इसको हम क्लियर करा देंगे। इसमें 2-3 है, ध्यान से, 2-3 ऐसे क्वेश्चन हैं दीर्घ वाला जो कि हर साल बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और उसको हम समझा देंगे अच्छे से, उससे छोटे छोटे क्वेश्चन आप बना लेंगे, बड़े क्वेश्चन पूछा जाएगा वो भी आप सेम टू सेम अच्छे से कर लेंगे। ठीक है, चलिए अब दोस्तों प्रयोगात्मक यानी जो आपके प्रैक्टिकल में होगा, तो प्रैक्टिकल में क्या क्या आपको पढ़ना था यहाँ आप देख सकते हैं। अब दोबारा ध्यान सुनिएगा कि प्रैक्टिकल में अधिकतम अंक जो है 30 अंक का रहेगा, प्रैक्टिकल आपको पता ही है, और न्यूनतम अंक आपको 10 तक लाना, यानी 10 से नीचे अगर आप प्रैक्टिकल में लाते हो आपको फेल कर दिया जाएगा। ठीक है, यानी 10 के ऊपर हर हाल में आपको प्रैक्टिकल में लाना पड़ेगा। तो दोस्तों बाह्य मूल्यांकन में आप देख सकते हैं 10 अंक का है, और प्रयोग पर आधारित मौखिक की आपके 5 अंक की क्वेश्चन है। आंतरिक मूल्यांकन आप देख सकते हैं, ये सब आपको पीडीएफ दे देंगे, आप पढ़ लीजिएगा एक बार। ठीक है, और इस बार जो 2022 के बोर्ड वाले बच्चे पेपर दे रहे हैं, पेपर तो हालांकि हो गया है, प्रैक्टिकल दे रहे हैं इस समय, तो उनके लिए देखिए ये जो प्रैक्टिकल है इसी में से आपके प्रैक्टिकल बनाने थे और इसी में से आपको करने भी थे। तो जो हमारे प्यारे नए स्टूडेंट जो इस साल प्रैक्टिकल में बैठे हैं या बैठ रहे हैं, तो ये आप लोग प्रैक्टिकल देख लीजिएगा और इसी प्रैक्टिकल को आपको तैयार करना है, और छोटे छोटे फार्मूले आप तैयार करेंगे तो आपका प्रैक्टिकल वाइवा बहुत ही अच्छा शानदार चला जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों आई होप कि आज का ये सेशन आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। तो अभी तक आप लोगों ने, हमारे जो प्यारे नए स्टूडेंट हैं, आप लोगों ने क्लास को लाइक नहीं किया, क्लास को लाइक कर दे कर करके अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, और हमारे प्यारे जो नए स्टूडेंट चैनल पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबा दीजिएगा, और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, 2023 वाला बैच, फटाफट आप उससे जुड़ जाइएगा। ठीक है, और कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।